हेलो बच्चों, कल की क्लास में हमने बात की थी वस्तु को आवेशित करने की विधियां। तीन विधियों से हम वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। पहली विधि थी घर्षण, दूसरी विधि थी स्थिर विद्युत प्रेरण, तीसरी विधि थी चालन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आवेश का मापन। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, विल्सन क्लाउड चैम्बर, इलेक्ट्रोमीटर, वोल्टमीटर आदि कई उपकरण हैं जिनकी सहायता से हम वस्तु पर आवेश का मापन कर सकते हैं। हमारे सिलेबस में है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश के संसूचन, आवेश की मात्रा व आवेश की प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आवेश का संसूचन मतलब वो वस्तु आवेशित है या निरावेशित है, इसके बारे में हमें पता चलेगा। आवेश की मात्रा, आवेश का मान ज्यादा है या आवेश का मान कम है, इसके बारे में हमें पता चलेगा। और आवेश की प्रकृति, वो वस्तु धनावेशित है या वो वस्तु ऋणावेशित है, हमें इसके बारे में भी पता चलेगा। शुरू करते हैं अपन स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं हम इसकी बनावट। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी में कांच के एक बॉक्स में, कांच का बना हुआ एक बॉक्स होता है, ये कांच का बना हुआ एक बॉक्स है, रबड़ का कुचालक कॉर्क यहां लगा रहता है, ये रबड़ का कुचालक कॉर्क है एक, और इस कॉर्क के अंदर से होकर गुजरती है धातु की एक छड़, जिसके ऊपर एक डिस्क होती है, एक घुंडी होती है। यहां पर रबड़ का एक कुचालक कॉर्क है। और इस छड़ के निचले सिरे पर स्वर्ण की दो पत्तियां होती हैं, सोने की दो पत्तियां होती हैं, ठीक है। ये कांच का बॉक्स है, ये घुंडी युक्त धातु की छड़ है, और ये है बेटा स्वर्ण पत्र, सोने की पत्तियां, ठीक है। तो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की बनावट में हमने क्या पढ़ा, कांच के एक बॉक्स में रबड़ के कुचालक कॉर्क की सहायता से एक घुंडी युक्त धातु की छड़ लगी होती है। कांच के एक बॉक्स में रबड़ के कुचालक कॉर्क की सहायता से एक घुंडी युक्त धातु की छड़ लगी होती है। छड़ के निचले सिरे पर दो स्वर्ण पत्र होते हैं। अब पढ़ते हैं हम इसकी क्रियाविधि, ये काम कैसे करती है। क्रियाविधि के देखो तीन हिस्से होंगे। पहले हिस्से में हम बात करेंगे आवेश का संसूचन, मतलब वो वस्तु आवेशित है या नहीं है। देखो बेटा कैसे पता चलता है वस्तु आवेशित है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए उस वस्तु को हम इस घुंडी के संपर्क में लेकर के आते हैं। जैसे ये कोई वस्तु है, हमें ये पता लगाना है कि ये वस्तु आवेशित है या ये वस्तु निरावेशित है। इसके लिए हम इस वस्तु को इस घुंडी के संपर्क में लेकर आएंगे।
यदि ये वस्तु आवेशित होगी, इसे मान लीजिए ये वस्तु आवेशित, यदि ये वस्तु आवेशित होगी तो इस वस्तु का कुछ आवेश धातु की छड़ में से होता हुआ, धातु की छड़ में से होता हुआ इन सोने की पत्तियों के ऊपर आ जाएगा, है ना। छड़ में से होता हुआ आवेश इन सोने की पत्तियों पर आ जाएगा, इस पर भी आवेश आ गया, इस पर भी आवेश आ गया, और दोनों पत्तियों पर समान प्रकृति का आवेश आएगा, ठीक है। और समान प्रकृति का आवेश आएगा तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, और प्रतिकर्षण बल लगेगा तो बेटा ये पत्तियां ऐसे पास पास नहीं रहेगी, ये पत्तियां क्या होगी, फैल जाएगी, ये पत्तियां फैल जाएगी, ठीक है। हम वस्तु को टच करवाएंगे और टच करवाते ही अगर ये पत्तियां फैल जाए, इसका मतलब वो वस्तु आवेशित है। और हमने वस्तु को टच करवाया और टच करवाने के बाद भी पत्तियों के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं आया, टच करवाने के पहले भी पत्तियां चिपकी हुई थी और वस्तु को टच करवाने के बाद भी पत्तियां चिपकी हुई थी, इसका मतलब वो वस्तु क्या है, निरावेशित है, ठीक है। इसको नोट्स में कैसे लिखा जाता है, सर्वप्रथम किसी वस्तु को घुंडी के संपर्क में लेकर आते हैं, यदि वह वस्तु आवेशित है तो उस वस्तु का आवेश धातु की छड़ में से होता हुआ स्वर्ण पत्तियों पर आ जाता है, वह पत्तियों के बीच की दूरी प्रतिकर्षण बल के कारण बढ़ जाती है। यदि वह वस्तु निरावेशित है तो पत्तियों के बीच की दूरी में परिवर्तन नहीं होता है। ये इसका पहला हिस्सा है जिसमें हमने आवेश का संसूचन किया। दूसरे हिस्से में हम आवेश की मात्रा ज्ञात करेंगे कि आवेश ज्यादा है या आवेश कम है। देखिए बेटा ये भी इसी से कनेक्टेड है, हमने वस्तु को टच किया, अगर वस्तु पर आवेश की मात्रा कम है, वस्तु पर आवेश की मात्रा कम है तो इन पत्तियों पर कम आवेश आएगा, और पत्तियों पर कम आवेश आएगा तो इनके बीच ये फैलेगी तो सही, ये फैलेगी तो सही लेकिन कम फैलेगी, और अगर इस वस्तु पर आवेश की मात्रा अधिक है तो पत्तियों पर अधिक आवेश आएगा, अधिक आवेश आएगा तो ज्यादा प्रतिकर्षण बल काम करेगा, और ज्यादा प्रतिकर्षण बल काम करेगा तो पत्तियों के बीच की दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब पत्तियों के फैलने से हमें पता चलेगा कि अगर पत्तियां ज्यादा फैल रही है तो इसका मतलब आवेश ज्यादा है, और पत्तियां अगर कम फैल रही है तो आवेश क्या है, कम है, ठीक है। इसको देखो कैसे लिखते हैं, आवेशित वस्तु को घुंडी के संपर्क में लाने पर यदि पत्तियों के बीच की दूरी अधिक होती है तो वस्तु पर आवेश की मात्रा अधिक है, तथा यदि पत्तियों के बीच की दूरी कम होती है तो वस्तु पर आवेश की मात्रा कम है, है ना। हमने वस्तु को यहां पर टच करवाया, अगर इस वस्तु पर आवेश ज्यादा होगा तो इन पत्तियों पर आवेश ज्यादा आएगा, पत्तियों पर ज्यादा आवेश आएगा तो प्रतिकर्षण बल ज्यादा लगेगा, और प्रतिकर्षण बल ज्यादा लगेगा तो पत्तियां ज्यादा फैलेगी। अगर वस्तु पर आवेश कम है तो पत्तियों पर भी आवेश कम आएगा, आवेश कम आएगा तो प्रतिकर्षण बल कम लगेगा, और प्रतिकर्षण बल कम लगेगा तो पत्तियां कम फैलेगी। तो पत्तियों के फैलने से हमें पता लगेगा आवेश की मात्रा का, पत्तियां ज्यादा फैल रही हैं तो वस्तु पर आवेश की मात्रा अधिक है, पत्तियां कम फैल रही है तो वस्तु पर आवेश की मात्रा कम है। अब इसकी क्रियाविधि का तीसरा हिस्सा जिसमें हमको यह पता चलेगा वस्तु पर आवेश की प्रकृति के बारे में। देखिए बेटा कैसे चलता है, ध्यान दें, इसके लिए आपको क्या करना है, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी को पहले से कुछ आवेश देकर रखना है। ये स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी था, मैंने पहले से इसको मान लो थोड़ा सा धनावेश दे दिया, मैंने इसको थोड़ा सा धनावेश दे दिया, और धनावेश दे दिया तो पत्तियां ऑलरेडी फैली हुई है, ठीक है। देखिए एक बार, अभी मैंने इसको टच नहीं करवाया है, ये वस्तु इसके संपर्क में नहीं है,
ये स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी है, इसको पहले से आवेश दे दिया, इसको मैंने पहले से आवेश दे दिया, मैंने मान लिया कि यार मैंने इसको धनावेश दिया है ना, मैंने इस छड़ को धनावेश दिया, तो वो धनावेश छड़ में से होता हुआ कहां आ गया, पत्तियों के ऊपर आ गया, इस पत्ती पर भी धनावेश, इस पत्ती पर भी धनावेश, और दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगा, और प्रतिकर्षण बल लगा तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। अब मैं इस वस्तु को, यह आवेशित वस्तु थी और मैंने इसको इससे टच करवाया, ठीक है, इस पर आवेश की प्रकृति मेरे को पता नहीं है कौन सी है, यह आवेशित है ये पता है, लेकिन मेरे को आवेश की प्रकृति पता नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने जो आवेश दिया है वो मेरे को पता है, ठीक है, कि मैंने पहले से इसको धनावेश दिया था ये मेरे को पता है, लेकिन इस वस्तु पर कौन सा आवेश है ये मुझे पता नहीं है, है ना। तो मैं क्या करूंगा, आवेशित वस्तु को घुंडी के संपर्क में लाऊंगा, और लाते ही अगर पत्तियों के बीच की दूरी और ज्यादा बढ़ जाए, पहले बड़ी भी थी और ज्यादा बढ़ जाए, इसका मतलब जो आवेश स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी पर है उसी प्रकृति का आवेश इस वस्तु के ऊपर भी है। जैसे मैंने इसको धनावेश दिया है और मान लो इस छड़ पर भी क्या है, धनावेश है, तो पहले से धनावेश था ही, अब मैंने धनावेशित वस्तु को उसको टच में किया, एक धनावेशित वस्तु लाया और इसके संपर्क में लाया, तो इसका धनावेश थोड़ा सा और आ गया, तो पत्तियों पर धनावेश थोड़ा और बढ़ गया, पहले से धनावेश था थोड़ा और आ गया तो धनावेश थोड़ा बढ़ गया, और धनावेश बढ़ गया तो पत्तियों के बीच की दूरी और ज्यादा बढ़ गई, पत्तियों के बीच की दूरी और ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। अच्छा देखो इस चीज को कैसे लिखें, आवेश की प्रकृति जानने के लिए आवेशित वस्तु को पहले से आवेशित स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के संपर्क में लेकर आते हैं। आवेश की प्रकृति जानने के लिए आवेशित वस्तु को पहले से आवेशित स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के संपर्क में लेकर आते हैं। यदि पत्तियों के बीच की दूरी पहले की तुलना में बढ़ जाती है तो इसका अर्थ यह है कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी वह वस्तु पर आवेश की प्रकृति समान है, ठीक है, कि जैसे मैंने स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी को धनावेश दिया था, धनावेश दिया तो पत्तियां ऑलरेडी फैली हुई थी, फिर मैं आवेशित वस्तु को लेकर आया और मान लो ये वाली वस्तु भी धनावेशित थी, जो आवेश स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी पर था वही आवेश इस वस्तु पर भी था, तो थोड़ा सा धनावेश इन पत्तियों पर और आ गया, पहले से धनावेश था ही थोड़ा धनावेश और आ गया, थोड़ा धनावेश और आ गया तो पत्तियों के बीच की दूरी पहले के कंपैरिजन में थोड़ी सी और बढ़ गई, ठीक है। अच्छा बेटा अगर ऐसा हो भाई दबे, देखिए अगर ऐसा हो जैसे स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी है, मैंने इसको धनावेश दे रखा है और दोनों पत्तियों के बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है, वो दूर है, लेकिन ये जो वस्तु है ना, ये जो वस्तु है ये आवेशित वस्तु है, लेकिन मेरे को इस पर आवेश की प्रकृति कौन सी है ये ज्ञात नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इस आवेशित वस्तु को इसके संपर्क में लाऊंगा, और आवेशित वस्तु को घुंडी के संपर्क में लाने पर पत्तियों के बीच की दूरी घट जाए, पत्तियां पहले दूर थी जब ये वस्तु संपर्क में नहीं थी तो पत्तियां दूर थी, लेकिन मैं जैसे ही इस वस्तु को घुंडी के संपर्क में लाया तो ये पत्तियां पास आ गई, इसका मतलब यह है कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी वह वस्तु पर आवेश की प्रकृति परस्पर विपरीत है। देखो समझना, ध्यान देना एक बार, मान लो मैंने स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी को पहले से धनावेश दे रखा है और ये वाली वस्तु पर आवेश की प्रकृति विपरीत है, यहां धनावेश है
और इस पर आवेश की प्रकृति विपरीत है, मतलब ये वस्तु क्या है, ऋणावेशित है। अब मैं जिस वस्तु को टच में लाऊंगा, इसके संपर्क में लाऊंगा, तो इस छड़ का ऋणावेश, इस छड़ का ऋणावेश इस धातु की छड़ में से होता हुआ इन पत्तियों पर आएगा। अच्छा, पहले से धनावेश है और अब क्या आ गया, ऋणावेश। पहले तो धनावेश था, अब क्या आ गया, ऋणावेश। तो वो पहले वाले धनावेश को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो पत्तियों पर आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आवेश की मात्रा कम हो जाएगी तो पत्तियों के बीच की दूरी भी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, है ना। आवेश कम तो प्रतिकर्षण बल कम लगेगा, और बल कम लगेगा तो पत्तियों के बीच की दूरी कम हो जाएगी, मतलब पत्तियां पहले की तुलना में क्या जाएगी, पास आ जाएगी। अच्छा देखो इसको लिखते कैसे, यदि वस्तु को संपर्क में लाने पर, यदि वस्तु को, या ऐसे लिखो, यदि आवेशित वस्तु को घुंडी के संपर्क में लाने पर, यदि आवेशित वस्तु को घुंडी के संपर्क में लाने पर पत्तियों के बीच की दूरी पहले की तुलना में कम हो जाती है, तो इसका अर्थ यह है कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी वह वस्तु पर आवेश की प्रकृति परस्पर विपरीत है। ठीक है, तो यह है बेटा आपके स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। क्या काम करता है, तीन काम करता है। आप इसमें फटाफट रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान देना। यह स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी तीन काम करता है। आवेश का संसूचन करता है, कैसे करता है, है ना। हम वस्तु को घुंडी के संपर्क में लेकर आते हैं, और घुंडी के संपर्क में लाने पर अगर पत्तियों के बीच की दूरी बढ़ती है, इसका मतलब वस्तु आवेशित है, है ना। और अगर पत्तियों के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं आता तो वस्तु निरावेशित है। ये तो हुआ आवेश का संसूचन। इसका दूसरा काम था आवेश की मात्रा ज्ञात करना। मैंने आवेशित वस्तु को घुंडी के संपर्क में लाया और पत्तियों के बीच की दूरी ज्यादा है, है ना। आवेशित वस्तु को संपर्क में लाया और पत्तियां ज्यादा फैल गई, इसका मतलब पत्तियां जितनी ज्यादा फैलेगी वस्तु पर आवेश उतना ज्यादा होगा, और पत्तियां जितनी कम फैलेगी वस्तु पर आवेश का मान उतना कम होगा। तीसरा है आवेश की प्रकृति। इसके लिए क्या करेंगे, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी को पहले से कुछ आवेश देकर रखेंगे और एक आवेशित वस्तु को घुंडी के संपर्क में लाएंगे। जैसे ही वस्तु को संपर्क में लाए, पत्तियां पहले के कंपैरिजन में और दूर हो गई, पहले दूर थी थोड़ी और दूर हो गई, इसका मतलब जो आवेश स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी पर है उसी प्रकृति का आवेश वस्तु पर भी है। और अगर ऐसा हो कि आवेशित वस्तु को घुंडी के संपर्क में लाने पर पत्तियों के बीच की दूरी पहले की तुलना में कम हो जाए, तो इसका मतलब यह बनता है कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी पर और वस्तु पर आवेश की प्रकृति परस्पर विपरीत है। अगले क्लास में हम बात करेंगे विभिन्न आवेश घनत्वों के बारे में।